हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून 2022 को है। दैट मींस कि परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो आई होप सभी एस्पिरेंट्स ने काफ़ी अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया होगा। आई होप सभी ने काफ़ी अच्छे से, ऑब्वियसली हम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो सभी की अच्छी प्रिपरेशन अब तक हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जैसे कि सभी को पता है कि दो एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट पेपर है जीएस पेपर वन, जिसके लिए एक तरह से जब से हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो तब से हम इसी पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसी के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकनॉमी, एनवायरमेंट, ऑल दीज सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद में जो सेकेंड पेपर होता है आपके पास में जीएस पेपर टू, दैट मीन्स कि सी सेट का पेपर होता है, जिसके अंदर काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कम टाइम इसको डिवोट किया है। अब जब एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो सभी के माइंड पे स्ट्रेस होता है कि अब क्या करें। सी सेट तो क्वालिफाइंग है और इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तो हमारा एग्ज़ाम रह जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने स्ट्रेस नहीं लेनी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू अटेम्प्ट द सी सेट पेपर, कि सी सेट पेपर के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो अगर हम पहले देखते हैं कि जब हम बात करते हैं सी सेट के पेपर की, तो सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। सभी को पता होना चाहिए कि टोटल एग्ज़ाम में आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। जब पेपर आपके हाथ में आता है आपको 80 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, मीन्स टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अब 200 मार्क्स का है, तो जिसके अंदर से आपको कितने मार्क्स लेने हैं, आपको लेने हैं 33%। 33% मीन्स कि आपको 66.7 मार्क्स आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ओके, अब 66.7 मार्क्स हमारे माइंड में आता है, हाँ हम इजीली ले लेंगे, बट एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि देखिए, अगर हमें 66.7 मार्क्स लेने हैं, मीन्स 80 के अंदर से आउट ऑफ 80 हमारे 20 क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ अगर हम 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं विद 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी मींस कि हमारे पूरे 27 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो उस केस के अंदर आपका एग्जाम क्वालिफाई है। 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, पूरे 27 क्वेश्चंस करेक्ट है, एग्जाम क्वालिफाई है। ओके, बट यहाँ पे हमें बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना है। अगर आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वन थर्ड मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स कि अगर आप 28 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, मान लीजिए आपने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 27 आपके करेक्ट है बट एक रॉन्ग हो गया, तो एक रॉन्ग नंबर ही, जो एक क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग हुआ है, उसका जो वन थर्ड मार्क है वो आपका 27 में से माइनस हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, दैट मीन्स कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ जी, मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सी सेट के पेपर के अंदर मेरा अटेम्प्ट कितने का होना चाहिए। तो अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें, तो अगर आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है, तो उस केस के अंदर आप 40 क्वेश्चन, मैं आपको कहूँगी 35-40 क्वेश्चन सफिशियंट है। अगर आपको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, 99% मैं एक्यूरेट क्वेश्चन करती हूँ या फिर करता हूँ, ओके, तो 40, और अगर आपके पास टाइम है तो ऐसा भी नहीं कि मुझे 40 क्वेश्चन ही करने हैं, 40-50 का आप रेशियो लेके चलो कि हाँ जी 40-50 क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जिस माइंड फ्रेम से आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको वही काम आना है, बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर अलग से कुछ हम सोचेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले से ही अपना माइंड बना के जाओ कि भी मैंने एग्ज़ाम के अंदर 40-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैंने क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन के बीच में मैंने अटेम्प्ट करना है। ओके,
अब बात आती है कि हाँ जी एग्ज़ाम में मुझे क्वेश्चंस कैसे कितने देखने को मिलेंगे, किस पर्टिकुलर टॉपिक में से मेरे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 25 to 40 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। 25 to 40 मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आप 2020 का पेपर देखते हो तो उसके अंदर 43 क्वेश्चंस थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ओके, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, एट बट इट डिपेंड्स, यूपीएससी है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं गिवन है कि आपके पास क्वांट के कितना है, लॉजिकल रीजनिंग कितना है, इंग्लिश का कितना है, कोई रेशियो गिवन नहीं है। ओके, दैट मींस कि हो सकता है कि आपके पास में एग्जाम के अंदर क्वांट के 25 to 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के 20 to 25 क्वेश्चन आप देख सकते हो, एंड इंग्लिश के 20 to 25 क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा पैटर्न हो सकता है यूपीएससी के एग्जाम का। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे 25 to 40 क्वेश्चन इसके हैं, 20 to 25 क्वेश्चन इसके हैं, 20 to 25 क्वेश्चन इसके हैं, अब हम पेपर करें या कैसे अटेम्प्ट, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे मेरे हाथ में पेपर आता है तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि फर्स्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखा फर्स्ट को सॉल्व करना शुरू कर दिया, रीड किया सेकंड थर्ड। अब इट डिपेंड्स कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम की स्टार्टिंग है दैट स्टार्ट विद इंग्लिश, दैट स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, और इट मे बी अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कोई भी हो सकता है आपके पास एग्ज़ाम के अंदर, कोई भी स्टार्टिंग का क्वेश्चन हो सकता है क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में से। अब थोड़ा सा आप अपने आप को एनालाइज करो, एग्जाम से पहले ही एनालाइज करके जाना है खुद को कि मैं किस में बेटर हूँ, ठीक है, मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रोंग है, मुझे क्वांट मेरा ज़्यादा स्ट्रोंग है, या फिर मेरा लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रोंग है, या फिर मेरा इंग्लिश स्ट्रोंग है। तो पहले स्टार्ट करिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जिसके अंदर आप अपने आप को स्ट्रोंग फील करते हो कि हाँ जी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे ठीक होते हैं, इसके मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेथड है कि हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लीजिए अब फिफ्थ क्वेश्चन आ गया मेरे पास में, तो अब उस पर्टिकुलर, मान लो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, फिर भी मैं उस क्वेश्चन के ऊपर लगी हुई कि हाँ जी मुझे तो पहले फिफ्थ क्वेश्चन ही करना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन ही करना है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन को रीड करूँगी कि अगला क्वेश्चन क्या है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं कि शुरू में मान लो हम कह रहे हैं कि हाँ जी मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो भाई आपके एग्जाम के अंदर 80 क्वेश्चन है, आप बाकी क्वेश्चन को भी तो देख सकते हो कि हाँ जी, कई बार आपने अपने फ्रेंड से भी सुना होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था बट मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था, इस तरह का भी आपने काफ़ी अपने कई बार डिस्कशन हुई होगी आपके फ्रेंड्स के बीच में कि हम सारा पेपर देख ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यस, स्किम थ्रू द पेपर, गो थ्रू द कंप्लीट पेपर, एक बार चेक करो कि मेरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ जी जब आप पेपर को कर रहे हो तो जैसे आपने मान लो एक क्वेश्चन किया, ठीक है, पहले एक फर्स्ट थ्रू के अंदर, जब आप फर्स्ट थ्रू के अंदर देखते हो तो उसमें जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि सबसे ईजी हैं, मुझे आते हैं, पहले उस क्वेश्चन को आप करेंगे। मान लो मुझे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपने कर लिया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको आता है, कर लिया, बट थर्ड क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता है बट ये टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने किए हुए हैं बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या हमें उस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाना चाहिए? नहीं, आप उसको छोड़ दो, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हो उसको आप टिक कर लीजिए, हाँ जी ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब जो क्वेश्चन आपको ये लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने किए हैं बट इसमें मेरा टाइम लग सकता है, तो उसको उस टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट थ्रू में उसको छोड़ दीजिए, हाँ उसको टिक करके रख लीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं बाद में देखती हूँ, अगर मेरे पास में मान लो मेरे सारे क्वेश्चन नहीं हुए, मेरे 40 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं करेक्ट, तो दोबारा से आएंगे तब देखेंगे इसको। ओके, इसी तरह से फिर हमने नेक्स्ट देखा कि अच्छा ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे नहीं आता, या फिर मैं अभी क्वांट अटेम्प्ट कर रही हूँ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आता है आ रहा है, इसको अभी मैं छोड़ रही हूँ, इंग्लिश मैंने अभी नहीं देखनी है, पहले मैंने बाकी पहले अपने क्वांट के क्वेश्चन देखने, ऐसा आप कर सकते हो, क्वांट लॉजिकल रीजनिंग को आप साथ में भी लेके चल सकते हो। ओके, तो इस तरह से पहले हमने उन क्वेश्चंस को देखना है स्टार्टिंग से लास्ट तक जो आपको लगता है बिल्कुल ईजी हैं,
एंड यू डोंट बिलीव कि आप ये मान के चलो, हाँ जी 40% पेपर हमेशा इजी होता है। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर भी देखते हो तो 40% पेपर जो है के अंदर इजी क्वेश्चंस होते हैं 40%, बट उन इजी क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना, उनको करते हुए चलना एंड गो थ्रू द कंप्लीट पेपर। ओके, अब उसके बाद देखो कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो गए करेक्ट। अब मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए, मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चंस हो गए, वैसे तो 27 ही चाहिए, बट मान लीजिए आपने पूरा कंप्लीट पेपर देख लिया, पूरे 80 क्वेश्चन आप देख चुके हो, बट अभी आपके 30 क्वेश्चंस ही हुए हैं। अब क्या करें, अब दोबारा से आएंगे हम अपने पेपर पे, दोबारा से आएंगे और जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क किया है कि हाँ जी ये क्वेश्चंस की टाइप्स मैंने की हुई है पहले और इनको मैं सॉल्व करूँ तो मैं सॉल्व कर लूँगी या फिर मैं सॉल्व कर लूँगा, तो फिर आप उन क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने क्या करना है, वहीं पे मार्क कर देना है ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो, उसको बार बार रीड करो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हम देख चुके हैं उसको, जब सेकंड थ्रू में हम जा रहे हैं तो उस टाइम पे फिर दोबारा उस क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। ओके, हाँ जी, अब जब आप गो थ्रू होते हो पेपर के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको कई बार ऐसा भी होगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपका काफ़ी टाइम ले रहा होगा। मान लो आप कहते हो कि हाँ जी एक के टाइप है, एक टाइप है और उस टाइप के क्वेश्चंस ना मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ। मान लो आपके पास में परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग का क्वेश्चन आ गया, डन। अब उस केस में आप कहते हो कि परसेंटेज वोटिंग के क्वेश्चंस तो मैं सारे कर चुकी हूँ, मुझे सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, बट ये निकल ही नहीं रहा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से मेरा कोई आंसर नहीं निकल रहा। फिर आप उस क्वेश्चन को दोबारा से लेके सॉल्व करने बैठ जाते हो कि हाँ जी इसको तो ये तो टाइम मैंने करी हुई है, तो बेटा ये प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, दिस इज एग्जाम टाइम, प्रैक्टिस टाइम निकल गया है। अगर कोई क्वेश्चन की टाइप आपको आती है बट एग्जाम में नहीं आ रहा आंसर, तो छोड़ दो, बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में उनको कर लेंगे, ठीक है, बाद में घर जाके चेक कर लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होना था। ओके, दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है, बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेन आपको अब क्या करना है कि आगे बढ़ना है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं कि हाँ जी पहले मुझे कौन सा पार्ट करना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा तो फिर पहले कैसे करें, पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, हमने फर्स्ट से शुरू मान लीजिए कर दिया या फिर है ना हम इजी क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, तो पहले कौन सा पार्ट करें। तो देखिए जब आप एग्ज़ाम को देखते हो तो रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट क्वेश्चन को देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन जो है क्वांट का, ये लॉजिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का। ओके, तो जिस पार्ट के अंदर आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसके अंदर आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, पहले उस पार्ट को करें। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो सबसे पहले हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट को करना चाहिए, क्वांट दैट मींस कि मैथ्स। ओके, सबसे पहले आपको मैथ्स का पार्ट सॉल्व करना चाहिए, रीजन बीइंग कि जब आप मैथ्स का क्वेश्चन करते हो तो फाइनली आपको एक आंसर मिल जाता है, एक आंसर मिल जाता है, और जब एक आंसर मिल जाता है और वो आपको आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो हम 99% श्योर हो जाते हैं कि ये हमारा करेक्ट है, एक्यूरेसी का हमें पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम के अंदर हम कितने क्वेश्चंस करेक्ट करके आए। ओके, तो पहले हम जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, साथ में अगर मान लो आपको साथ में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसके अंदर उसको आप लोगे बाद में, सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग। ओके, लॉजिकल रीजनिंग के आप क्वेश्चंस करोगे। अब लॉजिकल रीजनिंग के बाद में हम आते हैं इंग्लिश के अंदर। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड और उनको ये लगता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन हम ज़्यादा एक्यूरेसी से कर पाएंगे और मैडम ने तो कहा है कि इंग्लिश को लास्ट में करना है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि इंग्लिश को मैं लास्ट में क्यों बोल रही हूँ, रीज़न बीइंग कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट आपके क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, आपको अजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, इन्फ्रेंस हो सकता है, टोन ऑफ पैसेज हो सकता है, तो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं काफ़ी नियर बाई ऑप्शंस होते हैं और हमारे हमें कई बार ऐसे लग रहा होता है कि जो चार ऑप्शंस हैं आपके पास में हैं तो ये भी ठीक लग रही है, हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा होता है कि हाँ ये ऑप्शन भी ठीक है, और फिर दूसरी तरफ से जब हम देखते तो हम कहते हैं कि ये वाली ऑप्शन भी हमें ठीक लग रही है।
ओके, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है कि हाँ जी ये भी ठीक हो सकता है, यहाँ पे ये भी ठीक हो सकता है, और आप इसको करेक्ट करके आ जाते हो एग्जाम में, बट अकॉर्डिंग टू UPSC उसका आंसर हो रहा होता है ये, तो हमारे नेगेटिव मार्किंग में नंबर कट सकते हैं। तो इंग्लिश के भी सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा जिसके अंदर आप पूरा 100% श्योर हो, जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो। जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे क्वेश्चंस लॉजिकल और क्वांट को करने के बाद में भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप इंग्लिश वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ओके ओके, तो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाँ जी, अब जब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है डोंट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बिल्कुल माइंड में नहीं लेनी है। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है तो उस केस में जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो हम वो एग्ज़ाम में वो भी भूल जाते हैं। होता है ये कि अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस है तो जो हमें आते क्वेश्चन है वो भी हम भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी, हमने इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रखी है, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना कि इतने टाइम से मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, किस लिए की है? ऑब्वियसली पेपर पास करने के लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन करी है तो मेरा पेपर पास होगा। पहले बिल्कुल पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आपको एग्जाम में जाना है कि हाँ जी मेरा पेपर पास होगा, इसीलिए ही मैं एग्जाम में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है किसी ने भी। बी कॉन्फिडेंट एंड टेक हेल्दी फूड सो दैट कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। एग्जाम टाइम पे आपका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बने रहिए अभी पीडिया के साथ।